हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीबायोटिक्स भोजन में मौजूद फाइबर होता है जिसे आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। यही अनडाइजेस्टेड फाइबर आपकी गट में गुड बैक्टीरिया का खाना बनता है। प्रीबायोटिक्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प करता है। आज की इस वीडियो में हम प्रीबायोटिक रिच फूड के बारे में बताएंगे। नंबर वन, गार्लिक। लहसुन इनुलिन का एक अच्छा सोर्स है। इनुलिन एक नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर है जो कि हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया का भोजन बनता है, जिससे गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है। नंबर टू, ओनियंस। प्याज में भी प्रीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। लाल और पीले प्याज क्यूरिस्टीन में भी हाई हैं। क्यूरिस्टीन में एंटी हिस्टामिन, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। नंबर थ्री, ग्रीन बनानाज। कच्चे हरे केले प्रीबायोटिक और रेसिस्टेंट स्टार्च का एक अच्छा सोर्स है। कच्चे हरे केले वेट लूज में भी हेल्प करते हैं। नंबर फोर, एप्पल्स। एप्पल्स विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर में हाई है। सेब में पाया जाने वाला फाइबर पेक्टिन होता है, इससे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। नंबर फाइव, ओट्स। ओट्स में इनसोल्यूबल फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये फाइबर न केवल गुड बैक्टीरिया को फीड कराता है बल्कि इनुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। नंबर सिक्स, फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड डाइट्री फाइबर में हाई है जो कि स्टूल में बल्क को ऐड करते हैं, जिससे रेगुलर बाउल मूवमेंट में हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।